सो व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हो सबके से। यार थोड़ा सा आज माइक खराब था एंड माइक टूट गया था यार, इसलिए कारण की वजह से यार थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम हो सकती है, बट यार कोई बात नहीं, मैंने बुक कर दिया है एंड वो जैसे ही आएगा फिर हम ऑफिशियली माइक से रिकॉर्ड करेंगे। राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेयर टाइम वेस्ट किया इस वीडियो के, आज की इस वीडियो के अंदर हम जान रहे होंगे हमारा यार जो नेक्स्ट प्रोसेस है, मतलब कि थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है वो किस प्रकार से हो रही होगी। स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे रहा हूँ ये फॉर द डिग्री प्रोग्राम्स एंड फॉर फार्मेसी लेटर एंट्री, ये सभी के लिए है। राइट, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेयर टाइम वेस्ट किया, अच्छे तरीके से देखने यार ऐसे हमें करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपके पास यहाँ पे डैशबोर्ड खुल जाएगा। ये सभी के लिए है आपका, ये लेटर एंट्री के लिए भी, फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, पार्ट टाइम के लिए भी है, और आपका यहाँ पे यूजी प्रोग्राम्स के लिए भी। ये चीज मैंने दोबारा से बोल दिया। ठीक है, तो आपके पास क्या करना है, आपका ये कोर्स प्रेफरेंस लिंक पे क्लिक करना है, एड न्यू पे क्लिक करोगे। एड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का यहाँ पे खुल जाने वाला है। ठीक है, जैसे इसको ओपन करोगे आपके पास पहले वाला ही प्रेफरेंस लिंक आ जाएगा। याद रखना यार, मैं यहाँ पे रिकमेंड यही करूंगा, जो आपका सेकंड राउंड के लिए आपने प्रेफरेंस लिंक डाला था वही डालना यहाँ पे। ठीक है, बट किसी को अगर कॉलेज नहीं मिला था एंड उसने दो तीन ही कॉलेज ऊपर भरा था, तो उसके लिए कह रहा हूं कि वहां पे ज्यादा यार ये सारी जो चीजें हैं वो सारी चीजें डालना। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कोर्स टाइप, और यहां से हम करेंगे यार आपका कोर्स नेम जो भी हमें करना है, और यहां से हम कॉलेज करेंगे। याद रखना ये डीटीई वाले जितने भी कॉलेज यार वो सारे कौन से है भैया जी, ये सारे यार सारे आपके प्राइवेट कॉलेजेस है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब भैया इसको किस प्रकार से कर रहा है यार, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे यार कि आपके जितने भी कॉलेजेस है यहाँ पे इन सभी का नाम लिखा हुआ है, कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स के लिए, पार्ट टाइम के लिए, या तो फिर आपका यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये आपके कोर्सेज लिखे हुए हैं। ठीक है, ये सारे कोर्सेज लिखे हुए हैं आपके, और यहाँ पे इस ये सारे आपके क्या लिखा है, कॉलेजेस लिखे हुए। ठीक है, ये सारे क्या लिखे हुए हैं आपके, कॉलेजेस लिखे हैं। यहाँ से आपको यार यहाँ से डिलीट कर सकते हो, या तो अगर अन्यथा डिलीट नहीं हो रहा तो क्लियर ऑल पे क्लिक करके आपका सारे क्लियर हो जाएगा सारा चीज, और फिर दोबारा से यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। ओके ग्रेट, यहाँ से फिर क्या करना है, उसके बाद आपके पास क्या, ये सारे जो चीजें पहले से आपके पास रहेगी, और तो उसके बाद क्या करना है यार आप सभी को, यहाँ पे आपका आगे पीछे कर सकते हो, मतलब कि ऊपर से हम स्कोर करके यहाँ से हम जैसे इस वाले कोर्स को हमें नीचे करना है, तो या तो सबसे नीचे करना है, तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। याद रखना मैं यहाँ पे एक दो चार चीजें बोलने वाला हूँ जो ध्यान से मैं आपको रखनी है। यहाँ पे ये फर्स्ट चीज कि आपको जो कॉलेज चाहिए उसको सबसे पहले रखना है, और जो घर के पास हो, ठीक है, या तो घर के पास हो या तो कॉलेज जो सबसे पहले चाहिए उसको नंबर वन पे प्रायोरिटी रखना। उसके बाद आपका जैसे ये है, ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस उसके पास वाला जो कॉलेज है वो, या तो उसका सेकंड चांस है वो। याद रखना सभी जो आपके कॉलेजेस है और सॉरी आपके जितने भी ये वाले कोर्सेज है, इन सभी कोर्सेज को एक साथ रखना है। जैसे कि मैकेनिकल मैकेनिकल के सारे एक साथ मैंने रखा है, ठीक है, फिर टूल एंड आई अलग से डाल दिया, फिर कंप्यूटर कंप्यूटर के सारे एक साथ डाले हुए हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से, और फिर ये ऑटोमोबाइल के सारे एक साथ डाले हुए, तो इसी प्रकार से आपको भी करना है, जो भी कोर्स आपको डालना है वो सारे कोर्स एक साथ ही डालना। ठीक है, अल्टी ने अल्लाह से अगर आपको कोई कॉलेज पास है, जैसे आपको गुरु नानक में आपको मैकेनिकल भी चाहिए, ठीक है, मान लो आपको गुरु नानक जीएनडीआईटी में ले लो, या फिर आपका अंबेडकर में ले लो। ठीक है, अंबेडकर में कौन कौन से कॉलेजेस है, मान लो अंबेडकर में आपका कंप्यूटर है, आपका यहाँ पे मैकेनिकल है, ठीक है, ये मान लो कंप्यूटर है, आपको मैकेनिकल है, और आपका सिविल है, ये बस मान लो ऐसे ही जस्ट मैं बता रहा हूँ। और आपके घर के पास ये अंबेडकर है, जीएनडीआईटी का इसलिए नहीं दिया क्योंकि बार बार आप बोलोगे कि भैया जीएनडीआईटी का, या बार बार एग्जांपल देते हो, तो दूसरा कोई कॉलेज का नाम बताओ। ठीक है, तो जस्ट मैंने अंबेडकर का बताया, ये यहाँ पे पूछा भी ले सकते हो आप। ठीक है, मान लो इस कॉलेज में आपको कोई भी मतलब, और आपका जो प्रेफरेंस है वो कंप्यूटर भी है, मैकेनिकल भी है, सिविल भी है, आंटी अनलेस जब ये वाला कॉलेज आपके पास है तो इस वाले कॉलेज के सारे ब्रांच एक साथ डाल देना, जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग और मैकेनिकल और सिविल इस कॉलेज में है, मान लो जस्ट एग्जांपल की तरफ से बता रहा हूँ, तो ये वाला जो कोर्स है, ये वाला कोर्स इस वाले कॉलेज के एक साथ डाल देना। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास में है तो ये कॉलेज जल्दी मिल जाएगा और आपका टाइम बच जाएगा यहाँ पे, और ये सबसे अच्छा भी उपाय है, क्योंकि आपका यार जितने भी कॉलेजेस होते हैं, जितने भी कॉलेजेस होते हैं, उन सभी में जो पढ़ाई है यार वो सेम ही होती है। ठीक है, पढ़ाई आपकी सबकी सेम होती है, टीचर्स आपके ऑलमोस्ट सेम होते हैं सभी के, बस हाँ फर्क इतना होता है कि आपका थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, एंड फिर आपका जो एनवायरनमेंट है वहाँ का वो डिफरेंस होता है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे आपका अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूँ तो एक द्वारका कैंपस है, और आपका मान लो कोई भी कैंपस है, अम्बेडकर ले लो, या फिर आपका जेएनडीआईटी ले लो, या फिर आपका यहाँ पे ओखला ले लो। ठीक है, तो द्वारका वाले में सीएस की बात करूँ, यहाँ पे हम ले लेते हैं राजगोरी। ठीक है, मैं यहाँ पे सीएस का एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे द्वारका कैंपस में सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांच है, ठीक है, वो भी आपका डिप्लोमा का, बाकी जो भी ब्रांचेस है यार वो सारे के सारे यूजी कोर्सेज के हैं। तो और बाकी यहाँ पे अंबेडकर में, जीएनडीआईटी में और रोहिणी ये राजकोरी में सब डिप्लोमा के कोर्सेज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एनवायरनमेंट का थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा के कोर्सेज हैं, तो डिप्लोमा वाले बच्चे सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के ही मिलेंगे आपको, बाकी कोई भी ब्रांच का नहीं मिलेगा। तो और बाकी अगर इस सभी कॉलेजेस में जाओगे तो आपके पास क्या मिलेगा, सारे कोर्सेज के डिप्लोमा के बच्चे मिलेंगे, ठीक है, और भी कोर्सेज के बच्चे मिलेंगे, तो थोड़ा बहुत आपका एंगेजमेंट बढ़ जाता है इसके कारण से, बस यही फर्क होता है। ज्यादा से ज्यादा एक दो पॉइंट्स का आगे पीछे होता है सारे कॉलेजेस, बाकी सब सेम ही होता है।
मोस्ट, ठीक है। और रही बात आपके यूजर प्रोग्राम्स की, तो यूजर प्रोग्राम्स का भी कुछ इसी प्रकार से आपका प्रेफरेंस ट्रेनिंग हो रहा होगा, मैंने कल वीडियो डिटेल में बना रखी थी, वो जाके देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और भी बता दूं, जिसको आपका समझ में नहीं आ रहा कौन सा किस प्रकार से करनी है, तो आपको स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर पे आपको यार वो करना है, मैसेज करना है व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, वहां से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या तो उसके डीपी में एक क्यूआर कोड लगा हुआ है एंड या तो यूपीआई आईडी लगा हुआ है वहां पे उस नंबर के व्हाट्सएप नंबर पे, वहां पे आप जैसे ही आप उसको ओपन करोगे उसके डीपी में चेक करोगे तो आपका क्यूआर कोड या जो यूपीआई आईडी लिखा हुआ है वहां पे आपको पेमेंट करके एंड आपका स्क्रीनशॉट भेज देना है डायरेक्ट, और फिर आपको मैं एनरोल करूंगा आपके पेड प्लान में। छोटा सा एक नॉमिनल चार्जेस है, नॉमिनल चार्जेस भैया कितने हैं, 99 रुपीज हमारे से अगर काउंसलिंग करवाते हो तो, ठीक है। तो ये अगर किसी को अगर काउंसलिंग करवानी है जिसको कॉलेज नहीं मिला है वो मुझे करवा सकते हैं। और आपकी रही बात रिजल्ट्स की, भैया रिजल्ट्स किस प्रकार से आ रहा होगा यार, रिजल्ट्स आप सभी का यार यहाँ पे 15 तारीख के अराउंड फाइनल राउंड आपका स्टार्ट हो चुका है, 15 तारीख के अराउंड हो जाएगा, 15 नहीं हम इसको 16 के लेके चलते हैं, एक दिन हम बढ़ा देते हैं, और ये जो 3 अक्टूबर है आगे का ये 14 अक्टूबर हम मान के चलते हैं, एक दिन का सभी का इंक्रीज कर दो सभी का। और ये था आपका कुछ डिटेल्स, और रही बात आपकी फीस वगैरह वो सारी चीजें भर दिया, एंड यार सेकंड राउंड में जिस बच्चे को कॉलेज मिला है नया नया वो यार फीस भर देना, एंड उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद जाके आपको सीट फ्रीजिंग का और फ्लोटिंग का आएगा, ठीक है। रही बात फ्रीजिंग और फ्लोटिंग का, मेरे वीडियो बता रखे कि किस प्रकार से होगा, अब जो है वीडियो आ रही होगी एनेक्स्टर्स की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट में कौन कौन से एनेक्स्टर्स डल रहे होंगे, कौन से कैसे उसको भरेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके एक दो वीडियो बना दूंगा, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बता दूंगा, ठीक है, एक्सेप्टेड कट ऑफ के बारे में आपको बता दूंगा, थर्ड राउंड का कितना जा सकता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक चलते बाबा, टेक केयर, सेव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ, आई होप आपको वीडियो समय पसंद आ गई होगी, अगर पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, जैसे कि उनके पास भी ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचती जाए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।